हेलो दोस्तों, WWE के महान खिलाड़ी डेन एम्ब्रोज इंजर्ड होने के बाद 9 महीने तक WWE से दूर रहे। इंजरी के बाद उन्हें कहा गया कि वे 9 महीने तक अब WWE रिंग में नहीं दिखाई देंगे। हाल ही में वे WWE के ट्रेनिंग सेंटर में दिखाई दिए, जिससे पता चलता है कि वे शायद एक्सट्रीम रूल में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर वह लौटते हैं तो उनका मैच हो सकता है समोजो से, क्योंकि उनके इंजर्ड होने के कारण समोजो ही थे, क्योंकि उनके ऊपर भारी बैग फेंक दिया था जिनसे उनके हाथ के पीछे लग गई थी। और एक्सट्रीम रूल में उनका मैच हमें देखने को मिल सकता है अगर डीन एम्ब्रोज की वापसी होती है तो। आपको पता ही होगा कि एक्सट्रीम रूल्स में हर साल हमें एक ना एक स्ट्रीट फाइट देखने को मिली जाती है, वो भी हेल इन अ सेल के अंदर। तो इस बार भी हमें ये फाइट देखने को मिल सकती है डीन एम्ब्रोज और समोजो के बीच में। ये दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, दोनों ही स्ट्रीट फाइट पहले लड़ चुके हैं। समोजो की बात करें तो वे TNA में स्ट्रीट फाइट लड़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं। और डीन एम्ब्रोज भी पिछले एक्सट्रीम रूल में क्रिस जेरिको के खिलाफ स्ट्रीट फाइट देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये मैच देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि अगर ये मैच होता है तो इसमें कौन जीतेगा, समोजो या फिर डीन एम्ब्रोज। और अगर आपको लगता है डीन एम्ब्रोज या समोजो, तो हमें कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज़। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि एक्सट्रीम रूल में ये एक और अच्छा मैच होने वाला है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा मैच देखना चाहते हैं।